स्वागत है आपका कुकिंग एंड हेल्थ केयर आइडियाज पर। आप सभी को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम लोग रामनवमी स्पेशल बनाएंगे सूजी का हलवा। इसके लिए गैस पर हमने पैन चढ़ा लिया है, गैस को स्लो टू मीडियम पर ऑन कर लिया है। हमने लिए है यहाँ पर 250 ग्राम सूजी, नॉर्मल सूजी है। इसको हमने साफ कर लिया है, इसको हम लोग भूनेंगे। और इसके साथ ही हमने 50 ग्राम लिया है बेसन, इसको हमने छान कर लिया है, इसको भी हम लोग इसके साथ में भूनेंगे। अब दोनों को हम लोगों को स्लो टू मीडियम पर कर कंटिन्यू चलाते हुए भूनना है। बेसन डालने से हलवे का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब इसको हम लोग बिना घी के अभी भूनेंगे, घी अभी हम लोग इसमें नहीं डालेंगे। तो इसी तरह से चलाते हुए हम लोग तब तक भूनेंगे जब तक कि सूजी से एक बढ़िया सी और बेसन से खुशबू ना आने लगे और इसका कलर चेंज ना हो। तो चलिए इसको भूनते हैं। लीजिए सूजी हम लोगों की और बेसन दोनों ही बहुत बढ़िया भुनकर रेडी हो गए हैं। देखिए कलर भी चेंज हो गया है और बहुत अच्छी इन दोनों की ही हम लोगों को खुशबू आ रही है। अब हम लोग इसमें डालेंगे 100 ग्राम चीनी। मेजरमेंट के साथ ले रहे हैं सभी चीज़ें, चीनी डालेंगे। और अब हम लोग डालेंगे इसमें पानी। पानी हम लोगों ने अभी स्टार्टिंग में एक ग्लास लिया है, तो थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे। पूरा पानी डालेंगे एक ग्लास अभी स्टार्टिंग में और फिर मिक्स कर देंगे। अब हम लोग एक ग्लास पानी इसमें डाल चुके हैं, आधा ग्लास पानी हम लोग और डालेंगे क्योंकि सूजी को फूलने में पानी की बहुत रिक्वायरमेंट होती है। जब ही ये दाना खिल खिल कर आता है तो हम लोगों ने 1.5 ग्लास पानी इसमें अभी हम डाल चुके हैं। अब हम लोग लेंगे 100 ग्राम घी, देसी घी यूज़ कर रहे हैं। स्पून की हेल्प से थोड़ा थोड़ा घी डालते जाएंगे और इसको हम लोग मिक्स करते जाएंगे। यदि 100 ग्राम से और ज़्यादा घी लगेगा तो फिर हम लोग आपको बताएंगे कि हमने एक्स्ट्रा घी भी लिया है। अभी पानी की इसमें रिक्वायरमेंट और है, तो जो हमने आधा ग्लास अभी बचा के रखा है 1.5 ग्लास डालने के बाद, वो हम लोग थोड़ा पानी अभी हम और डाल देंगे। तो अब हमने पूरा 2 ग्लास पानी हलवे में डाल दिया है। अब हम लोग घी डालना स्टार्ट करेंगे। हमने इसमें 1 चम्मच घी डाल दिया है। अब हम लोग 1 चम्मच भर के और घी डालेंगे और इसी तरह से हम लोग मिक्स करते जाएंगे। अभी हमने इसमें भर के 3 चम्मच घी डाल दिया है। अब इसको चलाते जाएंगे और ये देखिए थिक होने लगा है। कुछ हम लोग नारियल का पाउडर रखे हुए हैं और हलवे में डालने के लिए चिरौंजी भी रखे हुए हैं और थोड़ी सी हरी इलायची को हमने कूट कर लिया है। अब हम लोग इसको बराबर चलाते हुए भूनेंगे ताकि अच्छे से पानी एब्जॉर्ब कर ले। और देखिए घी हमने 3 चम्मच भर के डाला था, ये घी हम लोगों का लगभग एब्जॉर्ब हो गया है। अब हम लोग इसमें और घी डालेंगे, 1 चम्मच भर के हम लोग और घी डाल देंगे। हम लोग इसमें 3 चम्मच भर के घी डाल चुके हैं। अब हम लोग इसमें 1 और चम्मच, इतना सा हमारा घी और बचा है, वो भी हम लोग डाल देते हैं। और अब हम लोगों का हलवा एकदम रेडी होने वाला है। देखिए पानी एब्जॉर्ब हो गया है, पूरा 2 ग्लास पानी हमने डाला था। जब तक चलाते रहेंगे जब तक ये घी अच्छे से हलवा अंदर एब्जॉर्ब ना कर ले।
अब जो थोड़ा सा घी लगभग आधे स्पून के बराबर बचा है वो भी हम लोग इसमें डालेंगे। और अब हम लेंगे हरी इलायची पाउडर जो हमने बना के रखा है वो भी हम लोग इसमें मिक्स कर देंगे। हरी इलायची पाउडर डाल देंगे। हरी इलायची से हलवे का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। हलवे को एक बढ़िया सा कलर देने के लिए इसमें हम लोग एक चुटकी डालेंगे ऑरेंज फूड कलर, जिससे हलवे का कलर बहुत अच्छा हो जाएगा। अब इसको हम लोग मिक्स कर देंगे। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, बस अच्छा सा लुक देने के लिए ही हमने इसको डाला है। मिक्स कर लेंगे। लीजिए, हलवा हम लोगों का बिल्कुल बनकर रेडी हो गया है। अब इसको हम लोग निकालेंगे एक प्लेट में। लीजिए, हमने इसके लिए एक प्लेट ले ली है और अब हम लोग हलवा सर्व कर देंगे प्लेट में। देखिए, एकदम बिल्कुल दाना दाना खिलकर बना है हमारा हलवा, और कलर डालने से इसका कलर भी बहुत अच्छा आ गया है। हलवे की करेंगे गार्निशिंग। तो थोड़ा सा हमने लिया है नारियल पाउडर और इसके साथ थोड़ी ली है हमने चिरौंजी। तो पहले हम लोग नारियल पाउडर से इसकी गार्निशिंग करेंगे। और ऊपर से हम लोग थोड़ी सी डालेंगे इसमें चिरौंजी। लीजिए, हलवा हम लोगों का बनकर रेडी हो गया है। टेस्ट में बहुत अच्छा लगता है, ट्राई ज़रूर करिए। यदि आपको आज की हलवे की रेसिपी पसंद आती है तो मुझे कमेंट में बताइए। थैंक यू।